यानी बीटी टॉक्सिन जमीन में भी जहर फैला रहा है, ऐसा रिसर्च हिंदुस्तान के कुछ वैज्ञानिकों ने निकाला। यील्ड की बात है, मैं गुजरात से हूँ जहाँ सबसे ज्यादा बीटी कॉटन के लिए आर्ग्यूमेंट की जाती है। ये गुजरात का आज यील्ड क्या है कॉटन का, तो पहले 4-5 सालों में इस तरीके से कोई भी टेक्निक अच्छा यील्ड नहीं था, और उसके बाद आप देखो आहिस्ता आहिस्ता खर्चा बढ़ता जा रहा है। 2006 के बाद गुजरात में पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कॉटन की नहीं बढ़ी, कम होती जा रही है। इसकी कॉस्ट कौन चुकाए? क्रॉप डाइवर्सिटी कम होती जा रही है बहुत सारी जगह। ये वैज्ञानिक और सरकारी आंकड़े कहते हैं, साउथ गुजरात में शुगर केन ने को कॉटन ने रिप्लेस कर दिया है, सौराष्ट्र में पर मिनट ग्राउंडनट। ये फूड सिक्योरिटी की बात के साथ आप जोड़ते हैं तो खाना तो हम कम पका रहे हैं, बेचने के लिए कापड़ ज्यादा पैदा कर रहे हैं, मेज पीजीएनपी इवन पैड। कॉटन की खुद की डाइवर्सिटी, ये विज्ञान की बात है ना, हम कॉटन की डाइवर्सिटी को पनपाना चाहते हैं कि नहीं। अब देखिए 47 में कितना आर्बोरियम था, आज कितना आर्बोरियम था, हर्बेशियम कितना था, आज कितना है, और ये भी हिर्सुटम की हाइब्रिड 85% हाइब्रिड। तो एक फसल की भी डाइवर्सिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन गुजरात, ये सोसाइटी के लिए फूड सिक्योरिटी की बात के लिए जीएम ला रहे हैं, तो क्या स्थिति जीएम फसलों को आने के बाद? पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, ये कुछ वैज्ञानिकों के स्लाइड से मैंने लिए हैं जो कॉटन रिसर्च साइंटिस्ट रहे। नए नए पेस्ट, ये नए पेस्ट बीटी कॉटन आने के बाद बढ़े, ये सब अलग अलग प्रकार के नए पेस्ट मॉस्किटो जो पहले नहीं थे, मिली बग, बग्स, डिसीजेस, विल्ड्स, ग्रे मिल्ड्यू। और केशव क्रांति कहते हैं कि ये सवाल ठीक नहीं है कि बीटी कॉटन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होगा या नहीं, ये सवाल ही ठीक नहीं, कितने लंबे समय तक उसको हम डीले कर सकते हैं, वही एक सवाल, सही सवाल। इस बाउंड टू बी, और बॉलबम के सैंपल्स आज जितने मॉनिटरिंग में है, तो केशव क्रांति ने निकाला है कि कहीं कहीं पे 51 times हायर रिड्यूस एक्सेप्टेबिलिटी, यानी पहले से 51 गुना ज्यादा खिलाओ तो भी बीटी जहर की असर इल्ली को नहीं होती, रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है वहीं तक, वो हद तक। तो क्या मारना यही एक जवाब है? पिछले 50 साल में ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हमने यही सीखा कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल लेके आओ, हर 2-4 साल में 10 साल में बदलो, वो फैक्ट्री में पैदा कर लो या पौधे में पैदा कर लो, मगर मार के ही उसको उसके ऊपर जीव जीत हम उसको वीन करेंगे इंसेक्ट को। तो 65 से लेके आज तक पेडी में 3 से लेके 14 पेस्ट बढ़े, यानी किलिंग पेस्ट थ्रू के केमिकल कंपाउंड इज नॉट द आंसर। वहीं पे हम इकोलॉजिकल बैलेंस, अलग अलग और तरीके, तो यही तो विज्ञान है इकोलॉजिकल साइंस का, हाउ टू मैनेज द पेस्ट, उसका विज्ञान क्या। गुजरात में इतने टेस्ट के लिए कुछ फसलों का इजाजत दिया गया, उसमें से मैं मानता हूँ ज्यादातर टेस्ट भी हो चुके, और उसमें मुद्दे ये यहीं पे भी इतने ही काम में आ सकते हैं, वो EICRP को बाईपास कर लेते हैं, ये सरकारी जो व्यवस्था है संशोधन की, कृषि संशोधन की, उसको बाईपास करके ये टेस्ट होते हैं, नीड एडजस्टमेंट नहीं होता है, डेवलपर सीधी कंपनियों के सीधी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ उसके प्रोजेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, प्रोडक्ट प्रोटोकॉल एंड मनी प्रोटोकॉल भी कंपनियां प्रोवाइड कर लेती, नॉट कंपेयर्ड विद गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एक उदाहरण मैं दूंगा, ट्रांसपेरेंसी का भी सवाल है। तो अगर ये किसानों के लिए और समाज के लिए फायदे की बात है, तो आप खुले में बात आके एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, पर्दे के पीछे क्यों? बीटी बैंगन की टेस्टिंग आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने की, वहीं पे वो प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट कर रहा है मॉन्सेंटो मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, वहीं से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट का अपना खेत है, उन्होंने 2 साल पहले पूरी एक फिल्म निकाली कि इसी शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए ब्रिंजल में बैंगन में
बिना दवाई का छिड़काव किए एक टीप एक एक बूंद भी इस्तेमाल न करके कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी का एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ये प्रमोट करता है, उसकी फिल्में बना के देता है, उससे से 2 किलोमीटर दूर प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट मोनसेंटो का बीटी टेस्टिंग कर रहा है उसी की। और वो ये भी कंपेयर नहीं करते कि अपनी यूनिवर्सिटी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ इसका इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल असेसमेंट इस टेक्निक से कैसे ये कैसे चल सकता है। अपने अपने खुद की अच्छी प्रैक्टिस के साथ भी आप कंपेयर नहीं करते, तो ये व्यवस्था में इतने बड़े साइंटिफिक रूल्स हैं जो आपको तय नहीं करने देते कि मुझे कैसे कंपेयर करना चाहिए, मेरी जरूरत है या नहीं। राइस के विषय में भी ये स्थिति, बीटी राइस का टेस्टिंग हो गया, किसी ने तय नहीं किया कि कैसे आएगा, कहां से आएगा, जरूरत है या नहीं। रिसर्च साइंटिस्ट राइस कह रहे हैं कि 39 साल का डेटा है, हम पेस्ट मॉनिटरिंग करते हैं और ये पेस्ट गुजरात के लिए महत्व की है ही नहीं, लेकिन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन और इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, ये बिल्कुल हमें जोर जोर से कहना पड़ता है। मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम कैसे खड़े हुए और उसके सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमारे पास यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध था या नहीं, उसके बाद ये फसलें आ रही है, उसका भी एक असेसमेंट करना चाहिए ताकि हम बता सके कि ये तो कंपनियों ने अमेरिका में एक जीन डाल दिया उसके लिए आ रहा है, नहीं कि किसान का यही सही में प्रॉब्लम था। ये दोनों प्रॉब्लम गुजरात का ब्रिंजल का और राइस का वो इसी तरीके से सॉल्व ही नहीं हो सकता, विज्ञान कह रहा है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि उसके अच्छा जवाब हमारे पास है। ये टास्क फोर्स ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 2004 में स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि ट्रांसजेनिक शुड बी रिसोर्टेड टू व्हेन अदर ऑप्शंस टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आर आइदर नॉट अवेलेबल और नॉट फीजिबल। तो ये चीजों को सरकार कहीं पे भी ध्यान में, ICAR कहीं पे भी ध्यान में नहीं दे रहा। सेफर ऑप्शंस अलग अलग प्रकार के बहुत है, इवन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या जीन पिरामिडिंग प्रकार की चीजें भी हाईटेक साइंस के इस्तेमाल करके हम बिना ट्रांसजेनिक्स इन पद्धतियों के इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और बहुत सारा रिसर्च आज बाहर हो चुका है, हमने ही एक हमारे ग्रुप में से ही इस प्रकार की किताबें निकल चुकी है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप फूड। इस चीज को गौर से पढ़िए या तो उसको उपयोग कीजिए साइंटिस्टों के माध्यम में, साइंटिस्टों के ग्रुप में इतने सारे। अब ये जमाना नहीं कि 1939 में आप डीटी के इन्वेंटर को नोबेल प्राइज दे दो, 25 साल के बाद उसका पहला रिसर्च पेपर आए कि इससे तो पेंगुइन के अंडे टूट जाते हैं, और फिर 10 साल 15 साल के कैंपेन के बाद आप यानी कि 50 साल तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको ये विजडम आता है ह्यूमन बीइंग को, एक सरकारों को कि अब इसको विथड्रो। तो विज्ञान तो यह है कि आप रिस्क को जाने और प्रोडक्ट को रिलीज न करें, उसका अंतर जो पहले 50 साल का था अगर वो आप 5 साल कर सकते हैं तो आप साइंटिफिक, अगर आप वही 50 साल फिर से लेने वाले हैं तो आप विज्ञान के नाम पर ऑर्थोडॉक्स। मैंने ये बताया कि ये पेस्टिसाइड्स का उपयोग अमेरिका में बहुत बड़ा है जब से GM फसलें आई हैं, और भी जहर कातिल जहर इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि वो पुराने जहर काम नहीं करते, कम से कम वीडिसाइड के, और बहुत सारे ये वीड्स अब रजिस्टर हो गए 21, वो भी एक खुला वही अमेरिका के कई 40-50 वैज्ञानिकों ने साइन करके दिया है कि HT फसलों को, हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों को ऐसे प्रमोट न करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ मैनेजिंग वीड्स। ये सॉइल पैथोजन को प्रमोट कर रहा है ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि बैंगन के दौरान भी स्वामीनाथन ये 3 मुद्दे कहे थे, वो आज भी इवन टेस्टिंग के लिए भी लागू होते हैं, फील्ड ट्रायल के लिए, और ये वैज्ञानिक कह रहा है। एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी शुड बी दैट, वो आज भी नहीं है। कंजम्पशन ऑफ थरली अनटेस्टेड बीटी ब्रिंजल इज लाइक द केस ऑफ टोबैको, एक क्रॉनिक डोसेज इश्यू, और इट विल डिस्ट्रॉय इंडिजिनस वेराइटीज। वो कंसर्न आज भी फील्ड ट्रायल के लिए इतनी ही लागू है, क्यों हम इस विज्ञानिकों को नहीं सुन रहे हैं?
जयराम रमेश ने भी उसी समय ये अलग अलग तरीके से उसने कहा था कि माई डिसीजन इज स्टिल, जितना भी समय जाता है मुझे लगता है कि मॉरेटोरियम को ठीक ही मैंने किया। इलीगल कल्टिवेशन इसके खिलाफ कोई यूनिवर्सिटी कोई वैज्ञानिक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा। और जीएसी ने एक दो उसके मुद्दे नोट मिनट में डाल दिए। आज भी एचटी कॉटन इलीगल इतना कल्टिवेट हो रहा है, कोई गवर्नमेंट बॉडी उसके ऊपर चेक नहीं। जो हम फील्ड ट्रायल के लिए और टेस्टिंग के भी कुछ बहुत बड़े लिमिटेशंस हैं विज्ञान के रूप में, उसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। वो सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ जीन तक ही उसको टेस्टिंग में देखा जाता है। अनइंटेंशनल चेंजेस के ऊपर कोई काम नहीं होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट ही असेसमेंट में ली जाती है, इकोलॉजिकल कॉस्ट असेसमेंट में नहीं लेते हैं। टेस्टिंग प्रोटोकॉल आज भी इनएडिक्वेट है। कितने साल तक टेस्टिंग होना चाहिए, इंटरजेनरेशन स्टडी रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिकल प्रोटोकॉल या सैंपल साइज क्या होगी, बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, कौन सा लेबोरेटरी केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारे विषय में बहुत बहस है। वो एकदम पक्का नहीं तब तक ये लेबोरेटरी टेस्टिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इसकी फैसिलिटीज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत कम, कायदे कानून उससे भी खराब और न्यूट्रलिटी नहीं है। तो जो कहते हैं कि टेस्टिंग के पहले हमने ठीक से जांच लिया है वो बिल्कुल भरोसे वाली बात नहीं। ये राज्यों का विषय है, इतने राज्य मना कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए पीटी बैन। ये पूरा रिसर्च जीएम का इतना हाईटेक और खर्चीला है कि वो कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में जाना, और एक ही वैरायटी पब्लिक सेक्टर से बाहर हुई 2010 के आंकड़े, और वो भी विड्रॉ की गई आपको पता, और ये सब हाइब्रिड, यानी पूरा कॉटन रिसर्च हाइब्रिड कॉर्पोरेट, पूरा बीज आज पिछले 12 साल से कॉर्पोरेट से ही आता। क्या हम हर फसल में ये होना चाहते हैं और ये पसंद करेंगे और ये वैज्ञानिक नहीं देखेंगे क्या इसको? टर्मिनेटर की भी बात है, जो उनकी इच्छा मन की स्थिति क्या है वो उसको हमें समझ में आता है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से ये कंपनियां बहुत बड़ा लॉबिंग करती हैं। दिस इज लॉबिंग एक्सपेंस ऑफ मॉन्सेंटो इन यूएस। हाँ, यहाँ पे तो ये डेटा आता नहीं है, मगर वो ऊपर नीचे कितना आता होगा ये अपडेट भी कर सकते हैं एक दो साल के बाद का। ओपन सीक्रेट डॉट ओआरजी के ऊपर ये डेटा मिलता है हर एक कंपनी का, और इन कंपनियों का अलग अलग तरीके से रिवॉल्विंग टू चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट वॉज एसोसिएटेड विद मॉन्सेंटो, एफडीए के डेप्यूटी कमिश्नर ऑन पेरोल ऑफ मॉन्सेंटो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ एफडीए मॉन्सेंटो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ईपीए लिंडा फिशर ईपीए एंड मॉन्सेंटो, डिफेंस सेक्रेटरी विद मॉन्सेंटो, एंड दिस हाउ दे वांट टू कंट्रोल द सीड। दिस इज 2008 की स्थिति है, मॉन्सेंटो के बीजों दुनिया में कैसे फैले थे। नो फूड शैल बी ग्रोन दैट वी डू नॉट नो, कह रहे हैं खुले। उन्होंने पाकिस्तान में ये मांग की कि हम ऐसा कानून, पाकिस्तान की सरकार ऐसा कानून लाए कि किसान अपने बीज नहीं उगाएंगे, हमसे जो पैकेट लिया उसे बीज नहीं दूसरे साल उगाएंगे, वो दाने कर लेंगे बीज नहीं। पाकिस्तान ने कहा ये कैसे हो सकता है, तो कहा कि आप हम रॉयल्टी का जो नुकसान होता है अपने अपने तिजोरी से सरकारी तिजोरी से हमें दे दो। ये खुले में मांग मॉन्सेंटो पाकिस्तान में कर चुकी है, और हमारी वैरायटी जितनी भी इस्तेमाल की उसका कोई हमें हिंदुस्तान के लोगों को किसानों को सिविल सोसाइटी को सरकार को उसका कोई शेयर नहीं दिया। उनका पेटेंट हो जाता है फिर हमें खरीदना पड़ता है। तो एक आपको पता है ये केस चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कानून का भंग किया है कि आप किसके पूछ के या किसको रॉयल्टी दे के यहाँ का ओरिजिनल जमका था इस्तेमाल किया। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, विज्ञान के नाम पर डबल स्टैंडर्ड है। गुजरात में इस प्रकार के कुछ एनओसी दिए गए हैं, सबके एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाए, मगर ये फसलें हैं बेज कॉटन,
ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, कंपनियां है सिंजेंटा मॉन्सेंटो बायर है, और कौन सा कैरेक्टर है वो इसमें डाला गया है, यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है। ये 2012 की स्थिति थी जब गुजरात ने एक एनओसी दिया था, और अब शायद स्थिति अलग है। महाराष्ट्र को आप रेड बता सकते हो और पूरा हिंदुस्तान अभी ग्रीन है। बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी, क्योंकि राज्य सरकार का विषय बनता है, तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने कम से कम 3 जगह पे ये फसलों के जीएम फसलों के एक्सपेरिमेंट को नष्ट कर दिया है उगाने के बाद। यूरोप में उनको बिल्कुल ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, डिसाइडली कहते हैं कि हम अफ्रीका और एशिया को टारगेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां कंपनियों ने यूरोप से अपने आप को हटा लेने की का डिसीजन लिया है। रास्ते हैं हमारे पास सीएमएसए का। ये थोड़ा इस चीज को भी हमें बारी बारी से वैज्ञानिक के सामने रखनी चाहिए कि आज यूनाइटेड नेशन और एफएओ क्या कह रहे हैं। तो प्रिसाइजली एंटी जीएम स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मगर उन्होंने पिछले 3 साल में आए 2-3 रिपोर्टों में ये कहा गया है कि बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एन ऑप्शन। तो ये चीज हमारे पॉलिसी मेकर्स में, आईसीआर के सिस्टम में, साइंटिस्टों में कैसे पहुंचे, अदरवाइज दे आर अगेन गोइंग द सेम आर्ग्यूमेंट, सेम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, सेम काइंड ऑफ कंट्रोल, बिजनेस एज यूजुअल।